नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आज आपको बताने जाऊंगी पोहा। पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 से 3 2.5 कप का पोहा लिया है। इसको मैंने 5 मिनट पहले अच्छे से धो के इसका बिल्कुल पानी निकाल के इस तरीके से रख दिया है। आप देख सकती हैं बिल्कुल खिला खिला हो चुका है, यानी ये हमारा पोहा बिल्कुल तैयार है बनने के लिए। इसमें जो जो सामग्री लगेगी वो ये है। यहाँ पर मैंने आलू को भी काट के रखा है इस तरीके के पीसों में, और इसको धो के इसका पानी बिल्कुल निचोड़ दिया है। आप ऑप्शनल वाला है, अगर आप आलू डालना चाहते हैं तो डालें, अन्यथा नहीं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची काटी है, 1 नींबू, धनिया पत्ती, यहाँ 1 बड़ी मीडियम साइज प्याज, फली दाना को मैंने यहाँ ऑयल में सेक के रखा हुआ है, हल्दी पाउडर, आलू भुजिया और जीरा, चीनी, राई, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप जो भी नमकीन लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 से 3 स्पून तेल गरम होने रख दिया है। हमारा तेल लगभग गरम है तो सबसे पहले हम इसमें 1/2 टीस्पून राई डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा, 1 से 2 मिनट अच्छे से सेकना है इसके अंदर, तो इनको सेकने में 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। ये हमारे आलू लगभग हो गए, अब हम इसमें प्याज डालेंगे, ग्रीन चिली, दोनों को अच्छे से चलाएंगे। जब तक हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको हम लो फ्लेम पे इसी तरीके से पकाते रहेंगे। ये हमारे प्याज आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, पक चुके हैं। हमने इसमें आलू को भी दबा के देख लिया, सिक चुका है वो अच्छे से। अब हमने अपने पोहे को इसके डालने के लिए तैयार करते हैं। इसमें हम 1/2 चम्मच चीनी डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और इनको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अपने आलू प्याज में 1/2 चम्मच 1/4 लगभग वो डालेंगे हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर को डाल के हम अच्छे से चलाएंगे इस तरीके से। साथ ही हम इसमें पोहा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फली दाना रखा था इसको भी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं और इसको लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट चलाते रहेंगे। ये हमारे पोहा बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब हम इसमें ये पोहा मसाला डालेंगे, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, इससे पोहे और भी टेस्टी बन जाते हैं। अब हम इसमें नींबू का रस निचोड़ेंगे इस तरीके से, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अब हमारा पोहा बिल्कुल तैयार है। इसको हम गर्मा गर्म धनिया पत्ती डाल के सर्व करेंगे। ये हमारा पोहा बिल्कुल तैयार है, तो लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।